अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, टिकटॉक पर पाबंदी आयद होने के बाद इकरारुल हसन ने ऐसा बयान जारी कर दिया कि आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, इकरारुल हसन पाकिस्तान के वो वाहिद मशहूर सहाफ़ी हैं जिनको पाकिस्तानी आवाम बहुत ज़्यादा पसंद करती है और वो पाकिस्तान में मौजूद गलत धंधों में मुलव्वस लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की भी भरपूर कोशिश करते रहते हैं और उनका प्रोग्राम सरेआम पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बाहर के ममालिक में भी बहुत शौक से देखा जाता है। दोस्तों, कल टिकटॉक पर पाबंदी आयद होने के बाद जब इकरारुल हसन से इस बारे में पूछा गया तो उनकी कोई अजीबोगरीब ही राय सामने आई। दोस्तों, मीडिया पर्सन इकरारुल हसन ने इस हुकूमती इकदाम को तनकीद का निशाना बनाते हुए ट्वीट किया कि मेरा ना तो टिकटॉक पर कोई असली अकाउंट था और ना मुस्तकबिल में मैं कोई ऐसा इरादा रखता था, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि किसी भी चीज़ पर पाबंदी मसले का हल नहीं होती। किसी भी प्लेटफॉर्म पर मौजूद खामियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि मुकम्मल तौर पर उसे बंद कर देना चाहिए। मैं हुकूमत के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं हूँ और टिकटॉक को पाकिस्तान में बैन नहीं करना चाहिए था। जबकि कोई भी पाकिस्तानी इकरारुल हसन से इस बयान की उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो ये बयान देंगे या फिर ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि दोस्तों एक सर्वे के मुताबिक 82% आवाम का कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने अपने दौरे हाजिर में ये वाहिद काम है जो कि अच्छा काम किया है और टिकटॉक एप्लीकेशन को बंद किया, लेकिन इकरारुल हसन इसके खिलाफ नजर आए। आप क्या कहते हैं अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, मिलता हूँ आपको अगली अपडेट में। तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।